हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है आप लोगों को एक और नए ब्लॉग पे। एकदम सुबह सुबह तो अभी मैं बिस्तर से स्टार्ट कर रही हूँ अपना ब्लॉग को। और हम सभी को जो है इतना सर्दी हुआ है, सभी का नाक जो है एकदम बंद। रात को तो बहुत डेंजर से सोना पड़ा है, इतना तकलीफ से सोना पड़ा है। रहन बेटा का जो है मैंने उसका माथे पे जो है लोकल वाला जो मस्टर्ड ऑयल है उसे गर्म करके मैं हर टाइम जो है उसका माथे पे लगा देती हूँ, पाँव में और हाथ में लगा देती हूँ, फिर ये जाके जो है सो पाता है। और अभी देखो जंपिंग। और रहन बेटा जो है आज फाइव मंथ कम्प्लीट हो गया है। और 6 मिनट बचा है 5 मंथ होने के लिए। हाँ है ना। और दीदी जो है उधर पे एकदम सुबह सुबह वो ब्रेकफास्ट वगैरह बना रही है, क्योंकि मंजिता ने कल रात को जो है डिनर नहीं किया था। हम लोग जो है डिनर करके सो गए थे और मैं कल इतना थक गई थी, क्योंकि तबीयत भी ठीक नहीं लगता है ना, ऐसे सर्दी होने से एकदम माथा जो है बहुत बारीपन होता है। तो इसलिए जल्दी जल्दी रहन बेटा के साथ सो के हम आराम किया। चलो अभी फ्रेश अप होना पड़ेगा, थोड़ा घर की साफ सफाई करना पड़ेगा। घर में जो है सिर्फ एक दिन है, आज का दिन है, हम लोग कल फिर करके जाएंगे। ये बंदा अकेला हो जाएगा, अकेला हम उसको छोड़ के जाएगा। नहीं, हम अपने मायके में जा रहे हैं, ये भी जाएगा। इसका जो है 31 को डिजन आए थे, तो वो होने के बाद जो है इसका एक ट्रिप मार के आएगा, है ना, फिर इसके बाद जो है वहाँ जाएगा, मेरा इसका ससुराल में जाएगा। चलो अभी फ्रेश अप हो लेती हूँ। बिस्तर जो है अभी भी कैसा बिखरा पड़ा हुआ है, ये देखो तो धूप एकदम कड़कती धड़कती धूप निकल आ रहा है। सुबह सुबह मेरा पति जो है तिनसुकिया पे जा रहे हैं और वो उसको जो है हाईवे तक पहुँचाना पड़ेगा, तो मुझे जो है अपना स्कूटी लाना पड़ेगा उधर से। अभी मैं उसके साथ में जा रही हूँ, रवन बेटा को जो है दीदी रग रही है, तो वहाँ से आने के बाद जो है फ्रेश अप हो जाऊँगी। और इतनी ज़्यादा ठंडी लगती है, इसलिए जो है मैंने ये वाला स्कर्फ लगा लिया। ये वाला जो है शिलोंग से एक तो सिस्टर ने जो है हमें गिफ्ट किया था, प्रियंका मम्मी मुझे, रितु दीदी को। चलो उतरो उतरो, देखो ना, सुबह सुबह बहुत दिनों के बाद अपने पति के साथ। ये मुर्गी चोर देखो ना, पूरा मुर्गी चोर जैसा मालिक ही है ना ये, उसका हराम में बच्चा यहाँ पे जा रहा है बच्चे। वाओ मजा, सुबह सुबह इतना ठंडा है, तुमको ठंडा नहीं लगता है क्यों? Because I'm hot. चलो आराम से लेके जा हमें। भैया हंस रहा है, भैया वहां में ट्रैक्टर मार रहा है, देखो पूरा हंस रहा है। अया इसमें गोल्डन बेरी का खेत है, इतना धूप लग रहा है और टेस्टी है, मीठा है मीठा। गांव में ऐसे ही होता है दोस्तों, ये देखो सुबह सुबह सब अपने अपने काम पे, वहाँ पे मंडी के पापा भैया जो है क्या बीज वहाँ पे वो दे रहा है, पता नहीं क्या खेत करेगा। मोटर होगा सर, मोटर। रास्ता बहुत खराब है, डेंजर है रास्ता। गबचा अभी भी है, पर मेरे साथ में तकलीफ होगा, तू हम आने के बाद तकलीफ होगा। ये गबचे ना जब भी स्कूटी हम लोग ऑन करते हैं, ये भी फटक से एक ही जाम पे जो है तारक सामने में बैठ जाता है। कल भी हम लोग चावल लेने गए था, पूरा इतना दूर दूर के गए थे। उतरो लाम 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 लाम। अभी जाएगा जाएगा, देखो ऐसे ही जाता है ये। तेरी डोरी बेत चिपके आजा मेरी बाइक पे, लूंगा लत क्योंकि घर तेरे राइट पे, मौसम अच्छा है तेरे लॉन्ग राइट पे, अच्छा लगता है पकड़ के रखना टाइट से। ये वाला गाना से हम एक बार रील्स बनाए था, बहुत मजा गेस क्या है ना। और रास्ता देखो पूरा भयानक डेंजर, जंगल जंगल, अभी रॉन्ग टर्न का बोर्ड निकल आएगा। चलो चलो अच्छे से जाना, स्लोली ये लेके जाओ। ओ चलो वाह, अभी मैं भी बन चुकी हूँ मुर्गी चोर, मुर्गी चोर नहीं, अरे मेरा वो बाल का वजह से, बाल का वजह से। हाँ अभी हो जाएगा, ओके चलो, हाँ बाय बाय।
ये लोग तिनसुकिया जा रहा है मिलामसो मिलामसो लम्बू लम्बू को जो है मैंने हाईवे पे छोड़ दिया। अभी जो है बितलवा का घर थोड़ा सा देख के जा रही हूँ मैं, क्योंकि जब से ये लोग बेम्बू घर बनाए ना तब भी मैं एक बार नहीं आई बेम्बू घर पे, थोड़ा सा देख के जाऊंगी। आमरंगा ओए क्या कर रहा है, ये देखो लोग का घर, वाव थोड़ा जाके देखेगा, वाव बढ़िया है तो बहुत अच्छा हुआ। इधर में भी ये भी एक रूम होगा, इसमें स्टोर रूम हो जाएगा और यहाँ पे किचन पूरा परफेक्ट है ये लोगों के लिए। यहाँ पे हम लोग का ट्राइब्स लोगों को ना ऐसा वाला घर होने से अच्छा लगता है बहुत मजा है, बहुत सुंदर है घर। क्या गुड मॉर्निंग, अभी जगह है, हम तो सुबह सुबह उठना पड़ा है। ये रूपम को हाईवे पे पहुंचाने तिनसुकिया जा रहा है वो। प्रियंका का घर आई थी तो इसका बेम्बू घर देखने के लिए, अभी जो दीदी का वहाँ में गई, प्रियंका का मम्मी का वहाँ में, तो पूरा हम लोग का ट्रेडिशनल ड्रेस के बारे में एकदम बातें हुआ है ये देखो सुबह सुबह रूपम को हाईवे पे पहुंचाने जाना पड़ा, देखेगा थोड़ा पीछे मुड़ो तो ये देखो बनना स्टार्ट, खुला रख नहीं सकते हम भी, खुला करके रख नहीं सकते ये कार, गुदी होता है ना। हाँ कितना लिया था पैसा, पैसा लिया है कितना, 2800 ज्यादा ही है, क्योंकि ज्यादा ही हुआ है, ज्यादा ही लग रहा है। सबसे ज्यादा तो मेरा तेजू में जो यूनिसेक्स पार्लर है ना वो उसमें कभी नहीं जाना है, बहुत खराब कर दिया मेरा वाला पैसा डबल, वो भी अच्छा नहीं है, ऐसे शुरू होता है। हाँ यूनिसेक्स आपके लिए अच्छा। हम जो है हम लड़कियों का ऐसा ही शौक है दोस्तों, ये देखो कपड़ा थोड़ा सुंदर वाला कपड़ा देखने से, ये जो है हम लोग का ट्रेडिशनल वाला हादी है, हैंडमेड है, ये वाला बहुत मेहनत लगता है, तो हमको नहीं आता है, प्रियंका को भी नहीं आता है, क्या नहीं आता है ना। हाँ तो दूसरों को देना पड़ता है, पैसा दे दे के बनाना पड़ता है। अच्छा हुआ है, बहुत सुंदर हुआ है, देखो धूप में होने से शाइनिंग करेगा। हाँ ये वाला जो मुर्गी है प्रियंका का वीडियो में देख देख के हमको इतना हंसी लगता है, इतना डेंजर है ये, उड़ उड़ के जो है ये आदमियों को नहीं करता है ना, इसको मारता है। हाँ इसको मारता है, उसको लगता है कि उसका वाइफ को ये खा दिया क्योंकि उन्होंने भगाया उस रात को। ओ इसका वाइफ गायब हो गया ना, किडनैप हो गया, किडनैप हो गया, शायद दूसरों का पेट में भी गया क्या। रात को उड़ के गया, हाँ 9-10 बजे मेन रोड में घूम रहा था तो वहाँ से कोई उठा के ले गया। आया आजकल इतना महंगा है, 500 है किलो, दो इधर ठीक करेगा। ये गाबूचे पीछे पीछे आया था, पता नहीं गायब हो गया, पता नहीं कहाँ चला गया वो। घर में आ चुके हूँ दोस्तों, और रेहन बेटा जो है मम्मी के साथ में पता नहीं कहाँ पे गया घूमने के लिए, तो अभी जो है मुझे खाना वगैरह पकाना पड़ेगा, ब्रेकफास्ट सुबह पर जो दीदी ने बनाया था ना वो वाला जो है कल का था, वो मंजिता के लिए सिर्फ गर्म कर दिया था, तो अभी जो है हम तीनों के लिए खाना वगैरह पकाना पड़ेगा। और मेरा इस साइड में ना परसों ना कितना दिन को, 4 दिन ऐसा हो रहा है, मैंने जो है इससे ब्रश करते करते इधर ऐसे लग गया, इतना एकदम सफ़ेद करके वो निकल आया, बहुत तकलीफ दे रहा है वो वाला, थोड़ा सा हम टीका वाला सब्जी खाने से भी पूरा आंसू आ जाता है, बहुत डेंजर है वो वाला तो। चलो अभी मैं खाना वगैरह पका लेती हूँ, मेरा बच्चा जो है पता नहीं को कहाँ गया। खाना पकाते पकाते जो है दोस्तों सिलेंडर भी ख़त्म हो गया, हमारे पास जो है दो तो सिलेंडर है, एक तो जो है भैया का घर पे है और एक तो हम लोग का घर पे, जो हम लोग का घर पे है वो वाला जो है पिछले महीना को मैंने जो खरीद के लेके आया था ना दुकान से, वो वाला अब भी ख़त्म हुआ है, अभी क्या करेगा। यहाँ लोकल चूल्हा पर जो है मैं खाना वगैरह पका रही हूँ, सब्जी तो हो, सब्जी अभी तक हुआ नहीं, चावल हो चुका है, बस सब्जी को यहाँ में पकाने से हो जाएगा, और अभी लास्ट ये वाला और क्या बोलता है आलू भाजी करने से हो जाएगा, उसमें चावल जो है हो गया पूरा खत्म, एकदम खत्म, क्या करेगा। बचपन से चूल्हा में पकाते हैं, अभी बीच में गैस सिलेंडर वगैरह खरीद के आदत पड़ गया सिलेंडर में पकाते पकाते, अभी फिर से जो है सिलेंडर एक तो लेके आना पड़ेगा।
अभी तो मेरा हाथ में पैसा भी नहीं है, पैसा कल हमें जाना पड़ेगा 10 बजे का आगे में जाना पड़ेगा क्या, 10 बजे का आगे में जाना पड़ेगा, नहा धो के फ्रेश होके जाना पड़ेगा। और इतना माथा भी एकदम टिंग 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 कर रहा है ना, सर्दी हुआ है, आवाज़ भी अजीब सा, कान जो एकदम सब बंद है, दोनों कान कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है। ये वाली साग को यहाँ पे बॉईल करूँगी, पानी जो है ठीक से उबल चुका है, प्याज दे दिया और नमक, नो ड्राई फिश ओनली बॉईल। निकाल दिया है खाना, तो अभी खा लेते हैं, भूख भी लग रहा है, भूख लगने के बाद और फिर से क्या शांति हो गया पेट, और सिलेंडर जो है काला में लेके आना पड़ेगा, खत्म हो गया, काला में लेके आना पड़ेगा। चलो अभी तो है नहीं, हाँ जो सफेद में लेके आया सफेद काला में, हाँ काला में लेके आना पड़ेगा। आलू भाजी बनाया यहाँ पे, आलू सब्जी यहाँ पे, लौकी के साग, मिर्च का चटनी होगा, इसी से खा लेते हैं खाना। चलो पहले ठंडा लगा था, अभी गर्म लग रहा है। खाना वगैरह खाने के बाद इसको जो है गोदी पर ले लिया, देखो आज पूरा ये वाला एकदम गंदा था, इसका जिंदगी में पहली बार इतना गंदा करके सोया है ना, सोया है ना, दूध भी नहीं पिया था, थोड़ा सा पिया था बस। हाँ मेरा चुन्नी से खेल रहा है भगवान। मेरा रूम का हालत जो है पूरा बिखरा पड़ा हुआ है दोस्तों, कल ये वाला जितना भी पीलो कवर है, पीलो है, कंबल ओढ़ने वाला और बिछाने वाला सब जो है उधर में जो टीना बॉक्स है यहाँ पे रख के जाना पड़ेगा, क्योंकि चूहा का कुछ भी भरोसा नहीं है, ख़त्म कर देगा हम वहाँ से आते आते हमको दिसंबर महीना आ जाएगा, तो इसलिए जो है हम सब ये वाला सब खोल के जाएगा, पूरा ख़त्म कर देता है। और ये वाला रैक में तो हम कुछ भी रख नहीं सकेगा, तो मेरा जो पहनने वाला कपड़ा है सब इधर में रख के जा रही हूँ मैं, यहाँ में लम्बों का, और ये वाला तो लम्बा हर टाइम बंद करके रखता है, और ये जो निकला हुआ है इसको पता नहीं कहाँ पे छोड़ के जाऊँ, यहाँ पे जाना पड़ेगा। इधर मैं रेवन बाबू का और जो भी अच्छा अच्छा कंबल है मैं बेडशीट वगैरह यहाँ पे बिछाती हूँ ना, तो इसमें मैंने रख दिया है यहाँ में, ये भी सब भर्ती हो गया, और इसमें भी थोड़ा है, और जो हम लोग लेके जाएंगे यहाँ पे ये वाला बैग रेडी है, इसमें जो है ये रेवन का है, हाँ इसमें रख के जाने से भी हो जाएगा, इसमें भी है, कहाँ गया चेन, इसमें भी सकेगा। आज मेरा बच्चा पहनने के लिए ये नया वाला स्वेटर वो हमें रख देगा, आज रेवन बाबू पहनने के लिए एक तो ड्रेस रख देगा, कहाँ गया। मैंने जो है अपना कपड़ा वगैरह सब समेट के रख दिया है, अभी सबसे पहले रेवन बेटा को नहला दिया, नहलाने के बाद जो है उसको दूध पिला के झूला पर रख दिया है, सुला दिया, तो अभी मुझे जो है सुपरमार्केट जाना पड़ेगा, क्योंकि सिलेंडर जो है ख़त्म हो गया, सिलेंडर को भर्ती करके रखना पड़ेगा। और क्या था, ओह और मुझे जो है थोड़ा सा अपना जो आईब्रो है उसे थ्रेडिंग करना था, तो जल्दी से जल्दी जाके जो है वो सब काम करके आ लूँगी, मेरा बच्चा बस जाग ना जाए। वो जो है अभी यहाँ झूला पर है, मम्मी जो है उसको झूला रही है, नहलाने के बाद वो थोड़ा अभी मजे से सोता है, बस जल्दी जाग ना जाए, हम जा रहे हैं, जा रहे हैं। सबसे पहले जो है जीजा जी का दुकान से पेट्रोल है, हाँ दीजिए ना, एक लीटर पेट्रोल से किया होगा, 2 लीटर डालो, ज़्यादा डालने से जल्दी ख़त्म हो जाता है, कम डालना है।
अभी पहुंच चुकी हूँ मैं चौकम पे, तो यहाँ से लेके जाना पड़ेगा पहले सुपरमार्केट पे, दिखाता हूँ वहाँ पे भी नहीं मिला। अभी यहाँ से लेके जाना पड़ेगा है दीजिए। गैस लीक होता है क्या देखेगा, पानी चेक करके लेके जाना पड़ता है। हाँ बहुत तकलीफ है ओ। ले लिया है मैंने सिलेंडर को, ठीक है। गैस लीक होने से थोड़ा तकलीफ लगता है, अभी जाऊंगी इधर से जाना पड़ेगा। जब इधर आए थी ना हम लोग का जो बेरंग का जो बेरंग नदी का ब्रिज है बहुत ख़राब है। एक तो भैया को जो है मैंने बोल के वो पार कर दिया, मुझे तो हिम्मत नहीं दिया इतना तकलीफ, तो वहाँ से जाने का अभी हिम्मत नहीं है। तो मैं सुबह में जो लेमो को मैंने पहुँचाने आया था ना वो वाला रास्ते से मैं जाऊँगी, हो जाएगा। अभी उधर साइड में जो है एक तो पलर है, वहाँ पे जल्दी जल्दी ट्रेडिंग करके चली जाऊँगी। बाप रे पूरा ख़त्म हो गया रे, इतना हर भरी रास्ता भी बहुत ख़राब है बहुत ज़्यादा। तो अभी सिलेंडर को जो है घर का ऊपर में लेके जाना पड़ेगा, अकेले तो सकूँगी नहीं इतना बाड़ी है ना, तो दोनों का दीदी और मुझे ही उठाना पड़ेगा। बाप रे पूरा प्यास भी लग रही है, नहाना पड़ेगा अभी, एक सेकंड भी रेस्ट नहीं है रे सुबह से लेकर। मैंने नहा लिया है दोस्तों, नहाने के बाद थोड़ा अच्छा लग रहा है शरीर, क्या करेगा तबीयत थोड़ा ठीक नहीं लगने से भी नहाने का मन करता है ना, नहीं नहाने से और भी अजीब सा लगता है। और कपड़ा वगैरह मैंने जो है वॉश कर दिया, ये तो मैं छोड़ के जाऊँगी कपड़ा, क्योंकि मैंने जो है बस वहाँ पे जाऊँगी तीन ड्रेस ले लिया है, तीन ड्रेस ले लिया मिजोरम जाने से। मेरा जो घर में पहनूँगी वो दीदी लोगों से पहनूँगी, जैसे भी दीदी ने बोला है। अया अभी रेहन बेटा भी जाग गया, वो बिस्तर पे मम्मी के सामने है, तो मुझे जो है अभी सिलेंडर को उठाना पड़ेगा, क्या करूँ इसको ना उठाने में बहुत तकलीफ़ है, ज़्यादा ही हैवी है इसको एक एक साइड में। अभी दीदी और मंजिता जो है फिर से वो लोग समीर भैया का घर गए हैं, तो क्या पूजा बोला था दीदी ने वो लोग का कुछ नियम कर रहे हैं, तो अभी मुझे जो है सिलेंडर को उठाना पड़ेगा। तो मैंने जो रेगुलेटर को लगा दिया है, अब इसको टेस्टिंग करती हूँ। चलो ये वाला स्टोव ना बहुत गंदा है, पुराना हो गया, हाँ अभी कुछ भी लीक सीक नहीं हो रहा है, हो जाएगा मजा। अभी मेरा बच्चा का वहाँ में जाना पड़ेगा, मेरा बच्चा जो है फिर से यहाँ पे सो रहा है, और मम्मी ने यहाँ पे साउथ इंडिया मूवी दे दिया है, वो मज़े से देखती है। मम्मी भी पूरा बोल रही है कि कल तो हम लोग सुना सुना हो जाएंगे, क्योंकि ज़्यादातर ऐसे लगाबो जो है रेहन मम्मी के साथ में ज़्यादातर रहता है, क्योंकि अगर मैं जब भी यहाँ वहाँ जाऊँगी काम करने तो रेहन बेटा जो है ज़्यादातर अपना दादी के पास में ही रहता है, तो क्या करें ना, मुझे भी जाने का बहुत मन है, तो ऐसे टिकट वगैरह भी बुक हो चुका है, ऐसे ज़्यादा नहीं बिताएंगे एक महीना ऐसे बिताएंगे। ऐसे मायके में जाने का मन होता है, हर औरतों का जो है ऐसे जाने का मन करता होगा। मैं तो एक साल के बाद एक साल से ज़्यादा हो गया, क्योंकि पिछले साल हम लोग जब गए थे मम्मी को देखा होगा मेरा पुराने ब्लॉग में, उस टाइम वहाँ जाने के बाद ही रेहन मेरा पेट में पैदा हुआ। अभी देख अभी जन्म होने के बाद फिर से ये लेके जाऊँगी मैं इसको। और मम्मी यहाँ पे देखो क्या पानी कुमरा का इस टाइम लेके आई है, इसको खाना है शाम को, ठीक है। और मेरा नाक ना इतना बंद हो गया, सांस लेने में भी बहुत तकलीफ, आवाज़ जो है एकदम अजीब सा हो गया, क्या करेगा। शायद मेरा ये जो सर्दी है मिजोरम जाएगा मेरा साथ साथ। और वीडियो भी ज़्यादा लंबा करके बना नहीं पाऊँगी दोस्तों, क्योंकि जल्दी डिनर बनाना पड़ेगा, और रेहन बेटा जागने से थोड़ा तकलीफ भी लगता है, और शाम भी होने को चला है, अभी टाइम भी उतना मेरे पास नहीं है, क्योंकि मैं 5 बजे का करीब में जो है मेरा वीडियो को अपलोड कर देती हूँ। मैं पता नहीं मिजोरम जाने के बाद जो है
मेरा मम्मी पापा का गांव में जो है नेटवर्क उतना अच्छे से नहीं मिलता है। मैं यहाँ में मैं डेली ब्लॉग जो है मैं शाम का वक्त में अपलोड करती हूँ। जाने के बाद जो है मैं डेली ब्लॉग बना पाऊँगी कि नहीं, फिर भी मैं ट्राई करूँगी। ब्लॉग नहीं बनाऊँगी तो मेरा भी नुकसान हो जाएगा ना, क्योंकि हमारे जो घर के खर्चा वगैरह, हमारी जो ज़िंदगी चलती है सिर्फ यूट्यूब का इनकम से ही चल रही है, बाकी कुछ साइड इनकम है ही नहीं। क्या ही कमाऊँ, उतना पढ़ाई लिखाई भी नहीं हूँ, नौकरी वगैरह करूँ। बस आप लोग का प्यार और सपोर्ट की वजह से अभी यूट्यूब चैनल पे 1,20,000 से ज़्यादा हो रहा है सब्सक्राइबर। तो बस आगे में भी और ऐसे प्यार देते रहना, सपोर्ट करते रहना जितना हो सकता है। मिजोरम जाने के बाद जो है आप लोग को कोशिश करूँगी एकदम इंटरेस्टिंग वाला ब्लॉग दिखाने के लिए। कौन कौन मिजोरम वाला ब्लॉग देखने के लिए एक्साइटेड है कमेंट करके जरूर बताना। आज का ब्लॉग यही तक एंड करते हैं, तो आप सभी को आज का ब्लॉग को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बता दीजिए। तो मैं आप लोगों से फिर से मिलूंगी एक और नए ब्लॉग के साथ। बाय बाय सभी को एंड गुड नाइट, टेक केयर।